प्रदेश में बालिका शिक्षा के साथ साथ उच्च व तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देते हुए बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह ने साइकिल योजना के तहत सरडी विद्यालय की 56 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण किया गया। प्रदेश में बालिका शिक्षा के साथ साथ उच्च व तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर देते हुए बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह ने साइकिल योजना के तहत सरडी विद्यालय की 56 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण किया। महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम सरडी के शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के अध्यक्ष व बसना विधायक देवेंद्र बहादुर रहे। अध्यक्षता रवि कश्यप, विधायक प्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि तौकीर सरवर दानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष तनवीर सईद, हेमंत कौशिक, सोहन पटेल, राम कुमार सोनू, टिकेश्वर पटेल, सरपंच संत प्रधान, आशीष प्रधान, प्राचार्य मिनिकेतन दास रहे। अतिथियों ने सरस्वती माँ की पूजा अर्चना कर साइकिल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र बहादुर सिंह ने संबोधन में कहा कि योजना के तहत कक्षा 9वीं की बालिकाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमारी राज्य सरकार बालिकाओं को साइकिल वितरण कर रही है, जिससे आसपास गांवों और दूरस्थ क्षेत्र में आने वाली बालिकाओं को सुविधा के साथ कम समय पर स्कूल पहुंच सके और घर जा सके, जिससे बचे समय का सदुपयोग पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर अच्छे अंक अर्जित कर सके। हमारी पार्टी और राज्य मुखिया भूपेश का सदैव ही बालिका शिक्षा बढ़ावा देने का ध्यान रखते हुए राज्य में उच्च व तकनीकी शिक्षा के विकास पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए हमारी सरकार बहुत जल्द रिक्त पदों पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। विधायक सिंह ने कहा कि इस समय प्रदेश महामारी कोरोना संक्रमण की त्रासदी को झेल रहा है, जिससे सभी क्षेत्र के लोगों को भारी आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हमारी भूपेश सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और आने वाले दिनों में सभी विकास कार्यों को पूरी रफ्तार से प्राथमिकता के क्रम से करते हुए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास करेंगे। साथ ही लोगों से अपील की, इस समय कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसलिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बेवजह बाहर ना घूमें, घर में ही रहने को कहा। प्राचार्य मिनिकेतन दास ने विद्यालय के कक्षा 9वीं की 56 बालिकाओं को निशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल मिलने की प्रसन्नता जाहिर करते हुए कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नरेंद्र प्रधान, चंद्रमणि सिदार, वेद व्यास, गोपाल प्रधान, अखिलेश दास, दुर्पत दास, जयलाल बारेक, उग्रसेन दास, पूरन दीवान और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एसीएन 24।